Hi friends, good afternoon. My name is Vimal and here I'm again back with a new lesson. So today, this lesson I will take you through in Hindi. Many times, कई बार मैंने ये देखा कि लोग दो tenses हमारे पास हैं English में, past indefinite और एक है present perfect. तो इन दोनों tenses का use करते समय काफी लोगों को मैंने देखा है कि कई बार वो confused रहते हैं कि यहाँ पे उन्हें कौन सा tense use करना चाहिए और कौन सा टेंस यहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए, कब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे और कब प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि काफी हद तक कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर हम इन दोनों में से किसी एक का यूज करके इंग्लिश बोल सकते हैं. जैसे कि पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर मैं एक सेंटेंस इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ कि मैं आज सुबह नोएडा आया, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम दो तरह से बोल सकते हैं. आई केम टू नोएडा दिस मॉर्निंग, राइट. अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आज सुबह नोएडा आया, तो आप इसको बनाएंगे आई केम टू नोएडा दिस मॉर्निंग आया. अगर आप बोलते समय है शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब आप इसको पास इंडेफिनिट में बनाएंगे. अदरवाइज अगर आप इसी बात को इस तरह से कहते हैं कि मैं आज सुबह नोएडा आया हूं, विच मींस कि सुबह आप आज सुबह आप नोएडा आए हैं, है का मतलब होता है कोई चीज प्रेजेंट में है, तब वो चीज पास इंडेफिनिट ना रह के प्रेजेंट परफेक्ट में कहलाई जाएगी. जैसे कि हम कह सकते हैं आई हैव कम टू नोएडा दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग. Make sense? तो ये कुछ इस तरह से है. अगर कोई चीज हम बिना है के बोलते हैं और आ ई ए की साउंड हम करते हैं तब हम उसको कह सकते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में. अदरवाइज अगर हम है के साथ उस चीज को हम बोल रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में. जैसे कि मैंने तुम्हें 5000 रुपए दिए, तो मैं इस बार है का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो मैं दिए आ ई ए में से कोई भी एक साउंड आएगी तो मैं उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊंगा, विच मीन सेकंड फॉर्म का यूज करके. आई गेव यू 5000 रुपीज. अगर इसी बात को मैं ऐसे बोलना चाहूं कि मैंने तुम्हें 5000 रुपए दिए हैं, अगेन जैसे कि मैंने पहले आपको शुरू में क्लियर किया था ऊपर वाले एग्जाम्पल में, अगर है के साथ हम कोई चीज बोलते हैं, है का मतलब होता है प्रेजेंट, तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट में ना बनके ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में. आई हैव गिवन यू 5000 रुपीज, 5000 रुपीज. सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि इन दो एग्जाम्पल से आपको कई काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा कि पास इंडेफिनिट हम कब लगाते हैं, सॉरी, और प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, राइट. लाइक अगर मुझे एक थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको जाते जाते देना चाहूंगा कि कल रात बहुत बारिश हुई, कल रात बारिश हुई, हुई, अगेन मैंने आपको कहा आ ई ए की अगर साउंड आएगा तो मैं पास इंडेफिनिट में बनाऊंगा इसको, इट रेन्ड, कल रात बारिश हुई, इट रेन्ड लास्ट नाइट. और इसी चीज को अगर मैं है के साथ में बोलूंगा, है की आवाज के साथ बोलूंगा कल रात बारिश हुई है, तो मैं है का मतलब कोई चीज प्रेजेंट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बन के फिर किससे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, इट हैज रेन्ड लास्ट नाइट. सो गाइस, विद दीज थ्री एग्जांपल्स मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तीन उदाहरणों के साथ आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, जहां पे कई बार ऐसा लगता है कि दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस माध्यम से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कहां किसको यूज करना बेहतर होता है अच्छे से समझ सकते हैं. और अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज, मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस अपने का जब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मैं आशा करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं. थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, देखते रहिए. थैंक यू वेरी मच.